हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो स्पेशली एमसीए के उन स्टूडेंट के लिए जो 21 और 22 में एग्जाम देने वाले हैं। इनफैक्ट पिछले कई समय से आप लोग 21 वाले जो स्टूडेंट थे और 22 वाले की सर एक सेशन लीजिए कि हम लोगों को किस ढंग से प्रिपरेशन करनी है, ये मुझे बोल रहे थे। और मैं अभी तक जितने सेशन मैंने लिए वो सब 90-20 में एग्जाम देने वाले थे। ये स्पेशली सेशन है जो 21 या 22 में एग्जाम देने वाले हैं। और सबसे खास बात है कि इंपिटस गुरुकुल में ऑलरेडी 21 और 22 में बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड हैं। उन सबके लिए स्टडी प्लान क्या है, आप कैसे जुड़े रहेंगे और आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है अभी से लेके, अगर आप 21 में एग्जाम देने वाले हैं तो भी और 22 में देने वाले हैं तो भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बिल्कुल राइट टाइम है, जिनको 21 में एग्जाम देना है वो अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और 22 वाले बच्चों को अभी भी बेस प्रिपरेशन पे बहुत वर्क करना है। और देखिए, जब आप एमसीए एग्जाम्स की बात करते हैं, अगर हम देखें तो लास्ट 2 ईयर में काफी चेंज आया अवेयरनेस को लेके, एमसीए को लेके। ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मतलब जब मैंने सेशन स्टार्ट किए थे तो आपको मैं बता दूं कि जितने लोग एमसीए एग्जाम में अपेयर होते थे आज उससे 2 टाइम्स ज्यादा, इनफैक्ट 3 टाइम्स ज्यादा बच्चे अपेयर हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा करियर ऑप्शन है ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। पहले कई बच्चों को पता ही नहीं था कि ग्रेजुएशन में रहते हुए हम एमसीए एनआईटी जैसे कॉलेज से कर सकते हैं, या जेएनयू से कर सकते हैं, या बीएचयू से कर सकते हैं, या पुणे यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या डीयू से कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, और अगर प्लेसमेंट पैकेज देखें हम आज, तो आज एनआईटी सूरतकल, त्रिची या कैलीकट की हम बात करें तो इस समय प्लेसमेंट 40 लैक्स तक जा रहे हैं। सोचिए कि कितना अच्छा पैकेजेस है, कम एफर्ट से आप एक अच्छी जगह जा सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने देखा, जब हम लोगों ने इंपिटस गुरुकुल ने ये सेशन स्टार्ट किए तो उस समय बच्चे कई सारे कंफ्यूज होते थे, कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता था कि निमसेट के थ्रू भी एनआईटीज में जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे। दूसरा, फिर हम कॉमन एग्जाम्स की तरफ फोकस करते थे, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ये सब भी अपनी जगह अच्छे हैं, पर अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं और 12th के समय अगर आपने आईआईटी का एग्जाम दिया है, किसी कारण से नहीं हुआ, या आपका 12th में मैथ्स नहीं था और अब भी आप अगर कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एमसीए से अच्छा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो सकता। बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है, और ये अकेला मैंने निमसेट केवल इसलिए नहीं लिखा है, निमसेट के अलावा आप जेएनयू दे सकते हैं, आप बीएचयू दे सकते हैं, आप पुणे यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, आप वीआईटी दे सकते हैं, ऐसे कई सारे, आप डीयू दे सकते हैं, कई सारे एग्जाम्स हैं। पर जो निमसेट का सिलेबस है वो सिलेबस हर जगह काम आता है, इसलिए बेसिकली एक बात कर रहे हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ एनआईटीज की, तो एनआईटीज में प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, 100% प्लेसमेंट है टॉप एनआईटीज में। और एवरेज पैकेज अगर हम देखें तो 8 से 10 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 43 लाख तक जा रहा है, ये एक पॉजिटिव बात है। ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो आप नेट पे भी देख सकते हैं। दूसरा, एक और कंफ्यूजन रहता है कई बार कि अगर आपका मैथ्स नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो भी आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं, और 12th मैथ्स के साथ बीएससी कर रहे हैं तो भी एलिजिबल है, केवल कॉमर्स स्टूडेंट निमसेट का एग्जाम नहीं दे सकता, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। पर अगर आप 12th मैथ्स से हैं और आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आप जेएनयू या बीएचयू एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करता हूं उन सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट को कि क्या करना है आपको, क्योंकि इम्पिटा और नए स्टूडेंट को भी बोलना चाहूंगा, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हो जो ये सेशन फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और आपने अगर प्लान किया हो कि एमसीए करना है तो आप कैसे जुड़ सकते हैं इंपिटस गुरुकुल से। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, एक क्लासरूम प्रोग्राम, एक लाइव क्लासेस जो अब स्टार्ट हो गई है, इनकी टेस्टिंग भी पूरी तरह से हो गई है, और एक हो गया पेन ड्राइव कोर्स। मोस्टली बच्चे जो अभी तक 21-22 से जुड़े हुए थे उन्होंने पेन ड्राइव कोर्स के साथ लिया हुआ है, और अब वो पेन ड्राइव कोर्स के साथ लाइव क्लास से भी जुड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि आप घर पर रह के ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ऑलरेडी 19-20 के बच्चों का लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। अब मैं 21 में जो एग्जाम देने वाले हैं 22, उनकी भी लाइव क्लासेस 13 जून से स्टार्ट करने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना है बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि जो 19-20 में एग्जाम देने वाले हैं वो लाइव क्लास के फास्ट ट्रैक कोर्स से जुड़े हुए हैं, और इस फास्ट ट्रैक कोर्स में 2 टाइम पे क्लासेस होती है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, क्योंकि उनके पास टाइम कम है। और ये बात मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहता हूं, इनफैक्ट आपने जब देखा होगा 19-20 के सेशन लेता हूं तो कई बच्चे ऐसे हो सकता है, उसमें मैंने देखा जो बच्चे यहां पर क्लासरूम में भी आते हैं या जुड़ते हैं, कई बच्चों को लेट पता चलता है या वो लेट प्लान करते हैं कि एमसीए करना है, ऐसे में उनके पास कम टाइम होता है,
और इसलिए उनके एफर्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 2 times 3 times उनके एफर्ट्स हो जाते हैं जो 1 year या 2 years पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके कंपेयर में। अब क्योंकि आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, अगर आपने समय रहते प्रिपरेशन की तो ये लोड, ये बर्डन आपको नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और इन सब सेशंस के बाद जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर अब उनके साथ मैं आपको पहले बता दूं, आप सब लोग जो 21 और 22 में एग्जाम देने वाले हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब आपको रेगुलर बेसिस पे भी 21 22 वाले बच्चों को आपको सेशन मिलेंगे। जैसे 19 20 वाले स्टूडेंट के लिए एवरी मंथ प्रिपरेशन प्लान होता है कि क्या क्या टॉपिक कवर होंगे, वो अब आपके साथ भी शेयर किए जाएंगे और हर महीने आपको बताया जाएगा कि इस महीने क्या क्या पढ़ना है और आने वाले महीने में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा 21-22 स्टूडेंट को, 22 स्टूडेंट को अभी भी केवल 11-12 की बेस बुक को बेस बनाते हुए प्रिपरेशन करनी है। पर 21 वाले बच्चों को बोलना चाहूंगा, अभी मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो एक होती है ट्रिग्नोमेट्री और एक होती है कैलकुलस। यानी दो ये टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको अगर आप 2 times 3 times पढ़ते हैं तो कमांड आता है। तो जो लास्ट ईयर बच्चे आए थे हमारे पास 19-20 में, उन्होंने कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री 2 times पढ़ा, वैसे आपको भी 2 times पढ़ना है। और 22 वाले तो करीब करीब 3 times पढ़ेंगे। तो आप जो 21 में एग्जाम देने वाले हैं, 22 में मैं एक बात बोल दूं कि आप जो लाइव क्लास से जुड़ेंगे उसमें भी कई टॉपिक्स रिविजन्स होंगे, इस सब का आपको एडवांटेज मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अभी केवल टेस्ट बुक को ही सॉल्व करिएगा, पहले एक बार इस पर कमांड बनाइएगा। तो 11th और 12th की टेस्ट बुक से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है और ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस होगा, उसके बाद कुछ समय का ब्रेक होगा जब आपके क्योंकि एग्जाम्स होंगे, ईयरली एग्जाम्स या सेमिस्टर एग्जाम, और फिर जून से 19-20 के एग्जाम जो होंगे वो मई में होंगे। तो मई के महीने अप्रैल एंड के बाद, अप्रैल मिड के बाद आपको करीब करीब 1 month के आसपास का ब्रेक मिलेगा और जून में आपके फिर से बैच स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आपको फिर इसी तरह से रेगुलर क्लास मिलना चालू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है वो समझ में आ गया होगा। अब आप अगर पेनड्राइव के साथ लाइव क्लास से जुड़े हैं तो सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि जो टॉपिक लाइव क्लास में हो उसको पेनड्राइव के फाउंडेशन वाले कोर्स से ही पढ़िएगा, क्योंकि आपके पास 2 parts आते हैं, एक एडवांस लेवल और एक फाउंडेशन। तो आप फाउंडेशन वाले पार्ट को ही पढ़िए और उसके बाद लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी, राइट। और कोई नया स्टूडेंट भी जुड़ना चाहे इंपिटस गुरुकुल के 21 या 22 बैच से तो वो इमीडिएटली impetusgurukul.com पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब वो सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप मैसेज करते हैं जिन्होंने 21 या 22 के लिए कोर्स लिया है और अभी तक भी लाइव क्लास में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो करवा लीजिए। उसके लिए आपको impetusgurukul.com पे जब आप जाएंगे तो आप टॉप पर देखेंगे एक लिखा होगा लाइव क्लास रजिस्ट्रेशन, वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई दूंगा, या टेक्निकल सपोर्ट नंबर जो आपके पास पेनड्राइव कोर्स लिया था, जब आपके पास एक लेटर आएगा उस पर कॉल करके बात करें तो जिससे कि आप क्लास देख पाए। अब एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप लाइव क्लास देखते हैं तो लाइव क्लास का कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। आपको एक तो वीकली आपका जब आप लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे तो मैंने अभी बोला कि आपको फास्ट ट्रैक कोर्स वाला नहीं, आप जब इंपिटस गुरुकुल की वेबसाइट पर जाते हैं तो 2 things, एक जगह लिखा होता है टॉप पे लाइव क्लास रजिस्ट्रेशन ओल्ड स्टूडेंट और एक जगह लिखा होता है लाइव क्लास। केवल लाइव पे क्लिक करके आप AIMCA 2021 वाले बैच से जुड़े, इवन 22 स्टूडेंट वालों को भी इसी तरह से जुड़ना है। और 22 में जो एग्जाम देने वाले उन बच्चों को भी एक चीज बोलूंगा, पढ़ाई ऐसी ही करिए कि आपको 21 में एग्जाम देना है, उससे फायदा ये होगा कि नेक्स्ट ईयर केवल आप परफॉर्मेंस ईयर देने वाले होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो आपको केवल इसी बैच पर क्लिक करना है, नंबर 1 thing। सेकेंड थिंग कि यहां पर आपको अपना, इसको आप गूगल ऐप के थ्रू इंपिटस गुरुकुल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड करके मोबाइल पे भी देख सकते हैं। अब जो टाइम पे क्लास होगी, सपोज आपकी इवनिंग 4:30 पे क्लास है और मंडे टू फ्राइडे नॉर्मली क्लास होगी आपकी, वो आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा क्या टॉपिक होने वाला एवरी वीक, राइट। हर वीक के आपको टॉपिक होंगे और उन क्लास में जो टेस्ट होंगे डेली प्रैक्टिस टेस्ट, वो टेस्ट भी आप नीचे जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे। नॉर्मली क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो कुछ टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं, उन टेस्ट पेपर का नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कशन होता है, तो वो सब आपको एडवांटेज मिलेंगे। तो यानी
अगर आप पेन ड्राइव में आपके पास पूरा फाउंडेशन होगा, उसके बाद अगर आप लाइव क्लास से जुड़ते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि इस टॉपिक को, क्योंकि क्या होता है एक दिन में कितना पढ़ना है, अभी आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है। अभी आपको एक तरह से समझ लीजिए कि अभी हम आपको जो अप्रैल एंड तक जो सिलेबस करवाएंगे वो एक बेस राउंड होगा, और इसी टॉपिक को ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस को आप जुलाई के बाद फिर पढ़ेंगे। इसको अभी पढ़ाने का पर्पज ये कि ये मैथ्स का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में पढ़ के आपको कम समझ में आए या आपका परफॉर्मेंस ना आए, तो घबराइए मत। जब जून में फिर से बैच होगा तो फिर पहले एलजेब्रा पढ़ाया जाएगा, एलजेब्रा के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस होगा और डिटेल में होगा, तो वहां पर आप इसको दोबारा जब पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस दोनों बढ़ेगी। तो ये एक तरीका होगा। तो आप सभी बच्चों को एक ही चीज याद रखना, अगर आप इंपिटस गुरुकुल के ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और लाइव क्लास से नहीं जुड़े तो इमीडिएटली लाइव क्लास रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जो नए बच्चे ये सेशन अटेंड करने कर रहे होंगे वो भी इंपिटस गुरुकुल के लाइव क्लास या पेन ड्राइव कोर्सेज से या क्लासरूम कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि जब तक आप एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अभी हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्स में कई बच्चे भोपाल आए, बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस लाइव क्लास ज्वाइन किए या ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ पेन ड्राइव कोर्स, और वो यही बोलते हैं, मैं उनसे जब पूछता हूँ कि इतना लेट क्यों हो गए, तो कई बच्चे इवन ड्रॉपर स्टूडेंट भी ऐसा होता है जो कंप्लीट कर चुके होते हैं ग्रेजुएशन कि सर अभी तक प्लान नहीं किया था, कंफ्यूजन था या कहीं भटक रहे थे, और फिर वो आप करते हैं तो अब उनके ऊपर बहुत हाईली प्रेशर होता है। मतलब अगर आप रोज 6 घंटे पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशियंट है, उनके लिए 18 घंटे भी कम होते हैं। तो इस तरह का अगर कोई कंफ्यूजन है तो सारे कंफ्यूजन छोड़ के इमीडिएटली एक्शन लें, पढ़ाई करना चालू करें, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन आए तो आप मैसेज करें। कई बार बात नहीं हो पाती क्योंकि देखिए लाइव क्लासेस के साथ जब मैं क्लास लेता हूं, अभी इस समय 6 to 8 आवर रेगुलर क्लासेस होती हैं पर डे, तो ऐसे में कई बार बात नहीं हो पाती, तो आप मैसेज करें, मैसेज का आपको रिप्लाई भी मिलेगा, या टेक्निकल सपोर्ट नंबर पर बात करें, या ऑफिस में आप बात करके ऑफिस टाइमिंग में आप बात कर सकते हैं जिसका नंबर है 4295319। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है जहां पर आपको हर तरह की डिटेल मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि आपको सिलेबस बहुत स्लो करना है, अभी आपको गाइड सॉल्व नहीं करना है ज्यादा, अभी आपका फोकस होना चाहिए 11th और 12th बेस बुक को कवर करना। और बेस बुक में मैं आपको बोलूंगा कि आप आरडी शर्मा की बुक ले लें 11th 12th की और उसको सॉल्व करें। जैसे 19 में जिन बच्चे को एग्जाम देना है और जो अभी अभी ज्वाइन किए उनको मैं बोलता हूं बेस बुक के केवल एग्जाम्पल भी कर लें तो काफी है, गाइड सॉल्व करने के लिए बना करता हूं, पर आपको ये नहीं बोलूंगा, आपके पास 1.5 ईयर है लगभग, आपको बुक भी करनी है, ऑब्जेक्टिव गाइड भी करनी है, सेकेंड राउंड में ऑब्जेक्टिव गाइड करेंगे, 22 वालों को अभी केवल बुक करनी है, बाद में वो गाइड सॉल्व करें और अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर करते हुए चलें। स्टार्टिंग से पढ़ने का फायदा यही होगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए आपने देखा होगा 12th के साथ आईआईटी में मोस्टली बच्चे वो होते हैं जिन्होंने 10th से ही प्लान कर लिया होता है, इवन 9th से, कई बच्चे 9th से प्रिपरेशन करने लगते हैं, 9th 10th से आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों ने हो सकता दिया भी हो, और अगर आपने दिया होगा और आपने 12th में प्रिपरेशन की होगी तो आपको पता है क्यों नहीं हो पाया। तो अगर जितना पहले आप दौड़ना चालू करेंगे, जितना पहले से पढ़ना चालू करेंगे, आपके सिलेक्शन के चांस, रैंकिंग के चांस उतने अच्छे होंगे, दूसरा ड्रॉप लेने से बच जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, आपको सारी चीजें impetusgurukul.com पे मिल सकती है, या आप ऑफिस फोन लगा के पूछ सकते हैं या मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपको वीकली शेड्यूल, अगर आप लाइव क्लास से जुड़े हैं तो वीकली शेड्यूल आपको मिलेगा, और जो शेड्यूल दिख रहा है उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करिएगा, और आगे पीछे 3-4 टॉपिक बिल्कुल भी नहीं करने हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।